वीकेंड के वार से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूबीना दिलायक के एक बार फिर खूबसूरती के दीवाने हो गए सलमान खान। रूबीना दिलायक को लेकर एक बार फिर तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए सलमान खान। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं दोस्तों कि वीकेंड के वार से पहले रूबीना दिलायक के सारे दुश्मन जो हैं थर थर कांपने लगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूबीना दिलायक के सारे दुश्मन जो हैं वीकेंड के वार के शूट से पहले थर थर कांपने लगे, रूबीना दिलायक के आगे घुटने टेकने लगे। आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि इस बिग बॉस सीजन 14 में देखा गया है कि हर एक सदस्य जो है रूबीना दिलायक को टारगेट अननेसेसरीली कर रहा है। रूबीना दिलायक किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, जो भी बोलती हैं वो मुंह पर बोलती हैं, सामने बोलती हैं। और ये चीज घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में भी आ रहा है तो वो लोग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी बता नहीं सकता। लेकिन रूबीना दिलायक को हफ्ते में 5 दिन जो हैं वो टारगेट करते हैं। और साथ ही साथ रूबीना दिलायक की पॉपुलैरिटी की अपडेट भी वो सदस्य लोगों को लगातार मिलती रहती है फीडबैक। और साथ ही साथ इसी वजह से अब सलमान खान से बचने के लिए जो हफ्ते में 5 दिन टारगेट करते हैं रूबीना दिलायक को, वही हफ्ते में 2 दिन जो है रूबीना दिलायक की बटरिंग करने लगते हैं। और इसका एक छोटा सा नमूना आप सभी दर्शकों ने देखा जब अर्शी खान कह रही थी और जैस्मिन वसीम कह रही थी कि रूबीना दिलायक आपकी पॉपुलैरिटी से हमें डर लगता है, आपके आप तो नॉमिनेशन में आ जाओगे तब पर भी आप बच जाओगे, लेकिन हम तो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा अर्शी खान कह रही हैं। लेकिन अर्शी खान के साथ साथ जैस्मिन वसीम भी ये बातें कह रही हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात से वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जैस्मिन वसीम और अर्शी खान ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उनको सलमान खान से डर लग रहा है। क्योंकि सलमान खान जो है हर हफ्ते रूबीना दिलायक की तारीफ़ करते हैं, रूबीना दिलायक की खूबसूरती के दीवाने मस्ताने हो गए, और साथ ही साथ रूबीना दिलायक की डिग्निटी से काफ़ी इंप्रेस हैं। और साथ ही साथ घर वालों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम 5 दिन टारगेट करेंगे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम 2 दिन भी टारगेट करें तो सलमान खान हमारी वाट लगा देंगे। और साथ ही साथ बाहर और कुछ और दिखेगा, क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 को चला रहे हैं रूबीना दिलायक और सलमान खान। अगर हम सलमान खान की नज़रों में भी गिर गए तो हमारी तो वाट लगनी है बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर जाने के बाद। वेल दोस्तों, इसी वजह से रूबीना दिलायक के सारे दुश्मन जो है पूरी तरह से सरेंडर हो गए रूबीना के आगे।